स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में। तो आज जो हमारे पास फोन आया है Realme C30 FRP बाईपास होने के लिए, बिना पीसी के बाईपास करके मैं दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, तो वाईफाई मैंने पहले से कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद रीजन में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, स्टेप बाय स्टेप करना। लीगल इन्फॉर्मेशन पे आपको आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सबसे ऊपर चले जाना है। सबसे ऊपर जैसे ही जाओगे आप लोग, तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप तो जीमेल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड एन ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, आप क्रिएट कर लेना, बहुत ही ईजी है, आप गूगल क्रोम से भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है अपना साइन इन कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट दे देता हूँ, ईमेल आईडी जो माइक्रोसॉफ्ट का वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं पासवर्ड भी दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आया, तो यस पे क्लिक कर देना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, अदरवाइज आपका FRP बाईपास नहीं होगा। तो ये अपडेटेड वर्जन के लिए भी है, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पे भी ये ट्रिक काम करता है। तो यहाँ से देख सकते हैं अपना जो है जीमेल अकाउंट जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट का वो लॉगिन हो रहा है। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, टेक मी टू गूगल 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद हेल्प एंड फीडबैक पे चले जाना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ सर्च करना है, यहाँ पे DEL जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो आ जाएगा डिलीट डिसेबल एंड मैनेजर करके। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग्स में आ जाना है। उसके बाद आपको एंड्रॉयड सेटअप को क्या करना है, सबसे ऊपर में होगा फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद जो है आपको गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल करना है, उसके बाद फोर्स स्टॉप करना है। स्टेप बाय स्टेप देख लो, यहाँ से मैंने डिसेबल कर दिया, उसके बाद फोर्स स्टॉप भी कर दिया। बस इतना सिंपल सा काम था, क्या करना है उसके बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद इस कंटिन्यू करके जैसे सेटअप करते हैं आप वैसे सेटअप कर लेना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका भी FRP बाईपास जो है वो हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना आप, अदरवाइज आपका ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। आप पूरा वीडियो देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, अदरवाइज हो सकता है कि आपका FRP बाईपास ना हो। अगर और आप वीडियो बोल दो फेक है, वीडियो फेक नहीं है। आप लोग ट्रिक भाई जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही काम करता है ये ट्रिक। ट्रिक बहुत ही अच्छा है, कोई सा भी एंड्रॉयड वर्जन हो वो सभी में काम करता ही करता है। तो देख सकते हो यहाँ से FRP बाईपास हुआ या नहीं, वो सभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। बस आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो, मैं यहाँ से अपना जो फ़ोन है Realme वो चालू हो चुका है, FRP बाईपास हो चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग FRP बाईपास कर सकते हो। अगर आप लोग वीडियो में नहीं हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय बाय।